मैं गिरिराज सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं और मैं आपके साथ रंजन सिंह। भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने भी मंत्री पद की शपथ ले ली है। दरअसल गिरिराज सिंह के बारे में कई तरीके की चर्चाएं चल रही थी पहले से। यूं तो कहा जा रहा था कि गिरिराज सिंह को इस बार चुनाव लड़ने के लिए टिकट भी नहीं मिलेगा, लेकिन गिरिराज सिंह को फिर से बेगूसराय से टिकट भी मिल जाता है और बेगूसराय से गिरिराज सिंह जीत भी जाते हैं। और लगातार ये तीसरी बार जो है वो उन्होंने मंत्री पद का शपथ लिया है। इससे पहले भी वो मोदी कैबिनेट में मंत्री थे। लगातार इस बात को कहा जा रहा था कि गिरिराज सिंह जो है वो, अगर पहले तो ये चर्चा थी कि उन्हें टिकट नहीं मिलेगी, लेकिन टिकट मिल भी गया और वो जीत गए। उसके बाद ये भी चर्चा हुई कि इस बार गिरिराज सिंह को नहीं मंत्री बनाया जाएगा, उनके जगह पर किसी और को मंत्री बनाया जाएगा। लेकिन फाइनली जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने गिरिराज सिंह पर ही एक बार फिर से बिहार में भरोसा जताया है और एक बार फिर से उन्हें केंद्र में मंत्री बनाया है। इससे पहले गिरिराज सिंह लगातार हिंदुत्व छवि वाले नेता जो है वो लगातार इस तरीके का बयान भी देते रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेताओं में से एक हैं। गिरिराज सिंह का जो बैकग्राउंड है वो हिंदुत्व छवि की है। लगातार वो जब नवादा से सांसद थे तो उन्होंने भी कई तरीके के काम जो है वो नवादा में उन्होंने किया था और उसके बाद बेगूसराय में वो 19 में चुनाव लड़े और उसके बाद फिर से यह चर्चा हुई कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, उनको टिकट नहीं मिलेगा। 24 में गिरिराज सिंह का पत्ता साफ हो जाएगा, लेकिन 24 में फिर से गिरिराज सिंह को बेगूसराय से ही टिकट मिलता है और वो वहां से जीतते भी हैं और उसके बाद फिर से उन्हें कैबिनेट में यानी कि मोदी कैबिनेट में मंत्री बनाया गया है। तीसरी बार जब देश के प्रधान मंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने शपथ लिया है, उस शपथ लेने के बाद गिरिराज सिंह ने भी जो है वो मंत्री पद का शपथ लिया है। पूरा वीडियो आप देखिए। मैं गिरिराज सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूँगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतरकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं गिरिराज सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री अश्वनी वैष्णव।